अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिजाब कुल इज़ हियर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत शदीद गर्मी इस्लामाबाद में पड़ी और उम्मीद तो है कि बारिश हो जाएगी। और आज पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच भी है, तो मैंने सोचा कि इस गर्मी से फाइट करने के लिए और हो सकता है मौसम रात तक अच्छा हो जाए तो क्यों ना एक मैंगो आइसक्रीम, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी बनाने का, तो मैंने सोचा बनाती हूँ और आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। आप लोग भी देखिए, आप लोग भी बनाइए और मैच को देखने का मज़ा भी बहुत आएगा आइसक्रीम के साथ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ और आज मैं आपको जो सिखाने जा रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं कोई कुकिंग से रिलेटेड चीज़ अपलोड करूँगी। इसमें मैं आइसक्रीम की वो रेसिपी आपको बताऊंगी जिसमें आपको कुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत सीधी सिंपल सी रेसिपी होगी जो कि सिर्फ 5 मिनट में आप तैयार कर सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ, और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं जी। इस मैंगो आइसक्रीम के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी उसमें सिंपल एक बड़े आम की प्योरी है और शुगर जो कि मैंने ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड इसलिए की है ताकि जब ये हम मिक्स को मिक्स करें तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ऐसा ना हो कि वो दाने दाने से नजर आए। एक कप हमने दूध लिया है, फ्रेश मिल्क, फ्रेश क्रीम ली है, सिर्फ एक पैकेट मैंने लिया है, और एक कप समझ लें सूखा दूध जिसे कहते हैं वो लिया है। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं सिंपली इस प्योरी में डालूंगी, देखिएगा, और फिर इसको मिक्स कर लूँगी। ये हमने इसमें सूखा दूध डाला और शुगर, मिल्क, लास्ट में मैं क्रीम, मैंने इसमें फ्रेश क्रीम डाल दी है, और अब मैं इन सबको इसको मैं ग्राइंड करूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है और इसको पकाने की कुकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए किसी भी प्लास्टिक के जार में आपने इसको बंद करना है, और वो जार ऐसा होना चाहिए जो एयर टाइट हो, जो अच्छी तरीके से बंद हो जाए। मैं इसको बंद करने से पहले इसको प्लास्टिक रैपिंग भी करूँगी ताकि कोई बबल वगैरह इसमें ना रह जाए और आइसक्रीम अच्छे से तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हर काम दायां हाथ से करना चाहिए क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल था और मैं लेफ्ट हैंड से डाल रही थी, मैंने दोबारा रोका है और अब मैं दाएं हाथ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको डाल रही हूँ क्योंकि दाएं हाथ से काम करने में बरकत होती है। और ये देखिए सिर्फ एक वन मैंगो से हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम, एक पूरा जार तैयार हो चुका है जो आपको मार्केट में आपको 400-500 तक, 36 से भी ज़्यादा का मिलता है, और वो आइसक्रीम बेसिकली होती भी नहीं है। आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग बच्चों को वो आइसक्रीम बिल्कुल ना दें। हम इसको एयर टाइट करने के से पहले हम प्लास्टिक करेंगे। जी मैंने इसको प्लास्टिक से आप देख सकते हैं रैप कर लिया, और मैं अब इसको इसको एयर टाइट इसको करके मुकम्मल, और मैं इसको अभी इसको रखने लगी हूँ फ्रीज़र में। इसको फ्रीज़र में रखूँगी और मैं इसको रखूँगी तकरीबन 4-5 घंटे के लिए, जबकि ये बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली जो है ये तैयार हो जाएगी। और खाने में मैं पिछले साल भी बना चुकी हूँ, बहुत मज़े की लगती है, और इस दफ़ा मैं बस कह रही थी जैसे टाइम मिलेगा तो मैंने फर्स्ट यही काम करना है। तो आज फिर चूँकि मैच भी है और होपफुली बारिश भी, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि ज़रूर होगी, तो मैंने सोचा आप लोग मैच देखें और आप लोग जल्दी से उठें और ये एक अच्छी सी डिश अपने घर वालों के लिए तैयार करें। और दुआ करती हूँ कि मैच पाकिस्तान जीत जाए और फिर उस खुशी में हम आइसक्रीम खाएं इंशाल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।